स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां मैं मनीष वर्मा आपको कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। आज हमारा नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम सुनते हमारे मन में एक ही चीज आती है, बचपन। बचपन एक ऐसा जिंदगी का हमारा हिस्सा है जिन्हें हम कभी भी नहीं खोना चाहते। कोई हमसे पूछे भाई तेरी इच्छा क्या है, तो मुझे मेरा बचपन वापिस लौटा दो। तो हमारा बचपन कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है जेंडर। जेंडर मतलब लिंग, लिंग। ये बात आती है बचपन में, हम क्या बोलते हैं भाई जेंडर मतलब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग कोई लड़की या कोई औरत, नपुंसक लिंग जो अदर चीज आ जाती है वो चीज हो जाती है। ये हो जाती है बचपन की यादें बहुत मस्त रहती है, लेकिन हमको बचपन से उठकर कहां पहुंचना है? बचपन में। आगे बात, अब बात आती है जेंडर की। जेंडर के हमने तीन टाइप पढ़े, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन में जेंडर के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से चार टाइप होते हैं दोस्तों? सबसे पहले होता है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन। फिर होता है फीमेलिन। फिर होता है नेटर। और फिर होता है कॉमन। ये चीज आ गई। अब बात करते हैं भाई इन चीजों में क्या क्या आती है। सबसे पहले बात करते हैं हम मस्कुलाइन की, मतलब एक ऐसा जेंडर जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर कौन सा, कौन लेता है? मेन, यानी मेल, जो मेल होता है वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये चीज क्लियर। अब आती है बात फीमेलिन की। फीमेलिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर सी बात है मेल, मस्कुलिन की मेल है ली, तो इसकी कौन लेगा? फीमेल। अब बात आता है नेटर, इसमें क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जैसे ये हमारा क्लस्टर है, ये लो बोला कुछ, अभी आप इन दोनों में से किसी को भी मारो या फिर कुछ भी बोलो, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। ये चीज क्लियर है, इसको कुछ भी करो नॉन लिविंग थिंग है, जो बोल नहीं सकती, सांस वगैरह कुछ नहीं ले सकती, यानी इनमें जो लिविंग थिंग रहते हैं उनके मुकाबले वो एक्टिविटी नहीं होती है। ये चीज क्लियर। अभी सपोज करो एक्टिविटी की बात करते, एक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है, इसको मैं यहां से छोड़ूंगा नीचे गिरेगा, एक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी। फिर बात आती है कॉमन, कॉमन में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे हम बात करते कॉमन नाउन में भी बात की थी हमने, नाउन से रिलेटेड है इसलिए हम बात करें इसकी। कॉमन में बात आती है जैसे टीचर, सोल्जर और स्टूडेंट, ये चीज, या फिर कोई डॉक्टर, ये चीज आ गई। अब हम इसको आराम से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मस्कुलाइन की। मस्कुलाइन मतलब क्या होता है? मस्कुलाइन मतलब जिस जो किससे होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन दर्शाता है? मेल, जो मेल होता है वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है। तो इसमें क्या क्या जाते हैं, इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम। बॉय, मैन या फिर हस्बैंड, 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 हस्बैंड। इस पे किस्सा याद आया भाई हमको, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि भाई एक बार एक महिला थी, उसको इंग्लिश कम आती थी, वो क्या बोलती थी भाई अपने हस्बैंड को कि दिस इज माय हैंडपंप एंड आई एम हिज पाइप। पाइप नहीं होता, वाइफ होता है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं भाई हम हमारे सेकंड वाले एग्जांपल की। सेकंड वाले तो कौन सा होता है? फीमेलिन की। फीमेलिन की बात करते हैं, इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है इसके अंदर? जैसे गर्ल, वुमन और वाइफ।
ये चीज हो गई क्लियर, ये चीज क्लियर आ गई, समझ में आ गई तो आप कमेंट में समझ गए। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की नेटर की, इसमें क्या आता है, कौन कौन सी चीज आती है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल लेते हैं टेबल, कुछ भी ले लो मार्कर या फिर चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग में इनके एग्जांपल आ जाते हैं। जेंडर बहुत इजी टॉपिक है, शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा पहले आसानी से समझ लेते हैं। फिर बात करें हमारा लास्ट वाला टाइप कौन सा आता है, कॉमन। कॉमन में क्या आता है भाई, कॉमन में जो चीज कॉमन होती है, जैसे हम सभी टीचर्स पढ़ा रहे तो उनका एक क्या बोल सकते हैं उनको, ये सब क्या है, टीचर पढ़ाने वाले टीचर है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, और जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर। तो इनके एग्जाम्पल क्या जाते हैं, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट। ये चीज क्लियर, यानी हमारा जेंडर एक तरीके से समाप्त हो गया, समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। तो अब हम क्या बात करेंगे इसके बारे में कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेते हैं कि भाई जिनमें जेंडर को हम पहचाने भाई कौन सा जेंडर है, कैसा है, या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें हमने एक चीज सुनी है कि भाई हमारे जैसे कोई भी स्कूल रहती है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो मैम उसका हेड इंचार्ज होता है, फिर बाद में डायरेक्टर, फिर टीचर, फिर जैसे कोई वर्कर वगैरह होते हैं, फिर स्टूडेंट्स, इन सबको प्रायोरिटी चीज होती है। इसमें क्या होती है, इनमें हम क्या देते हैं इनको, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको देते हैं, तीन चीजें आती है, तीन चीजें कौन कौन सी आती है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं ही, हिज और हिम, ये चीज। फिर बाद में इसको देते हैं इट, इट्स और इट, ये चीज हो गई। फिर बाद में लास्ट में इसको देते हैं सी, हर और हर, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, ही, हिज, हिम, इट्स, इट, ये चीज हो गई। इसमें इनको प्रायोरिटी देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और एक अच्छी सी चीज बताता हूँ जिससे आप ना कंपटीशन लेवल में इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उन दो क्वेश्चन आपको आराम से आसानी से सोल्व करने हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूँ, तो आप देखो वो चीज। अब हमारी बात, एक चीज आपको अच्छी सी चीज बताते हैं हम, जैसे हमारा टॉपिक क्या है, जेंडर। जेंडर में हम दो चीज की बात करते हैं, जो दो टाइप होते हैं हमारे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन की, तो उनकी बात करते हैं। तो दो चीज होती है, दो चीजें मतलब, एक होती है प्रोफेशन और एक होती है फिजिकल स्ट्रक्चर, ये चीज हो जाती है। अब प्रोफेशन को हम क्या बोल सकते हैं, जॉब या फिर टाइटल, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी को भी टाइटल देना, मेन या फिर मस्कुलाइन या फेमिनाइन जो भी है जेंडर, उनको टाइटल देना है। जैसे हम बात करते हैं हमारे कोई भी ले लो, हमारे स्टडी के मनीष जी, प्रदीप जी, मोहन जी, उनको कोई भी टाइटल देना है। जैसे कोई जैसे पढ़ाने में बढ़िया है तो मतलब ग्रेटेस्ट टीचर, या फिर जो भी वो डिग्री होती है, डिग्री भी हमारे पार्ट है, हम इंग्लिश में बात उसी चीज की करेंगे जो हमारे काम की चीज होगी, बाकी की तरह नहीं कि हम ये से या भाई हाँ जी एफ बी एफ, ये चीज बात नहीं करनी है। प्रोफेशन मतलब किसी प्रॉपर प्रोफेशन, जॉब या फिर टाइटल में अगर कोई व्यक्ति या वो कुछ भी जो भी मस्कुलाइन या फेमिनाइन को रहता है तो उसमें कैसे देते हैं, उनमें क्या देते हैं, या तो फिर इनको देते हैं मेन जो मस्कुलाइन होता है, और इनको देते हैं वुमन। जैसे बात कर लेते हैं प्रदीप, प्रदीप की बात करते हैं जैसे मेन, जैसे कोई बात करते हैं टीना वुमन, या फिर कोई बात करते जैसे नंदनी वुमन, अनिता वुमन, या फिर कोई मनीष मेन, ये प्रोफेशन अगर है तो इनमें ये बात कर लेते हैं, ठीक है, मेन वुमन का यूज करते हैं, यानी कुछ भी बात कर दो मेन वुमन का यूज करना है और कुछ नहीं करना। अब बात आती है फिजिकल, जैसे भाई कोई भी है, जैसे हमारे बॉडी बिल्डर कोई भी मान लो, या फिर कोई भी ऐसे
जैसे प्रदीप जी बॉडी बिल्डर है तो मेल बॉडी बिल्डर, ठीक है, फीमेल को ये है तो फीमेल बॉडी बिल्डर। फीमेल में बात करते जैसे कोई भी हमारे एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई बढ़िया कुछ भी ले लो, जैसे कोई छोटा है कोई लंबा है, कोई छोटे में कोई एग्जाम्पल ले, जैसे हमारे कोई क्लासमेट थी साक्षी नाम की, वो थोड़ी हाइट में छोटी थी और कोई लंबा था, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मेरे अभी कॉलेज स्टूडेंट यानी क्लासमेट है मंजूड़ा का, वो लंबे है हाइट में, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर आती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल और फीमेल, ये चीज क्लियर है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में जेंडर कंप्लीट और हमारी आज का टॉपिक भी खत्म, तो आइए बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये चीज क्या है, अभी मैंने आपको बताई थी प्रोफेशन टाइटल या फिर जॉब, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैन और वुमन, ये बात आ गई। और जो होती है क्या बोलते हैं हम उसको, फिजिकल, मतलब हमारे फिजिकल जो भी चीज काम में आती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल और फीमेल। तो ये दो चीज मैंने आपको बताई है, इन दो एक दो चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, उनके हिसाब से आपको बता रहे ये चीज सही है जो लिखी हुई या फिर वो गलत है। तो बात करते हैं हम फीमेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस मतलब ड्रेस क्या पहनते, फिजिकल मतलब हमारे शरीर पर ड्रेस पहनते, तो उसके लिए मेल फीमेल मैंने आपको बताया, तो ये चीज क्या है, सही है, सही है। अब फीमेल शोल्डर, शोल्जर, अब शोल्जर फीमेल हमें पता है भाई जो होती है हमारे, जो भी महिलाएं होती है जो भी वुमेन्स होती है वो शोल्जर यानी आर्मी में जाते हैं, लेकिन प्रोफेशन है शोल्जर प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैन और वुमेन, तो यहाँ पे फीमेल की जगह वुमेन शोल्जर आता है, तो ये सही होता, नहीं तो ये क्या है अभी गलत है, ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं हम सोल्जर, सोल्जर सही है प्रोफेशन, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर की बात करते हैं, प्रोफेशन है डॉक्टर लेकिन कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में वुमेन का यूज थोड़ी लेंगे, नहीं लेंगे तो ये वाला गलत है, डॉक्टर कॉमन है खुद एक, इसके लिए मेल और वुमेन ये जेंडर दोनों जेंडर का मिक्सअप हो रहा है, तो फिर क्या बनेगा, एक्सेप्शन मतलब बाउंस आएगी सीधे सिर के ऊपर से, समझ में नहीं आएगा इसलिए आप बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पूरी देखो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो लाइक शेयर करो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन सोल्जर प्रोफेशन के लिए, मैंने आपको बताया मेन वुमन यूज करना है, सोल्जर प्रोफेशन है मतलब सही है ये चीज, अभी रुको आपको बताते हैं वुमन डॉक्टर, ये बात आ गई, वुमन डॉक्टर हमने दो बार लिख ली, कोई बात नहीं इसको वापस मिटा देते हैं। अब जेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलने में पता चलता है क्या है ये गलत, गलत गलत है, लेडीज ये वो वाली बात करते हैं लेडी, अब लेडी हम कहां पे यूज करते हैं, जैसे कोई प्रॉपर फीमेलिन जेंडर है उनको हम रेस्पेक्ट के साथ बुलाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया लेडीज एंड जेंटलमैन, रेस्पेक्ट के साथ बुलाया तो उसको हम क्या यूज करते हैं, लेडी। अब लेडी टीचर, टीचर प्रोफेशन में रेस्पेक्ट जहां पे हम उसको देते हैं तो वहां पे लेडी यूज करते हैं, किसी स्पेशल थिंग के साथ या स्पेशल प्रोफेशन के साथ लेडी यूज नहीं करते। अगर आपको टीचर मिल जाता सही है, लेडी अगर किसी के भी साथ भी लग जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। अब बात करते हैं वुमन, वुमन हम जनरल वे में बोलते हैं और लेडी हम रेस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं, वुमन जनरल वे में प्रोफेशन के लिए बात आई है, सही है। जेंटल लेडी फिर वही बात अभी मैंने आपको बताई थी, मतलब क्या है, गलत। अब बात करते हैं जेंट, सही है। वुमन सूज फिर वही बात, अब भाई प्रोफेशन में है उसके लिए हम क्या लेंगे, वुमन ले लेंगे, फिजिकल में आया तो उसके लिए क्या लेंगे, फीमेल लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, प्रोफेशन वाला ले लिया तो फिर क्या हो गया, गलत। फिर यहाँ पे क्या आता है, जेंटल वुमन सही है। प्रोफेशन के लिए हम जैसे कहीं स्पीच दो, आपको प्रेजेंटेशन दो, हेलो लेडीज एंड जेंट्स जेंटलमैन आई मनीष वर्मा आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, तो क्या बोला, जेंटल वुमन रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे लेडी भी आता तो सही हो जाता, मतलब ये सही है। मेन ड्रेस वही प्रोफेशन नहीं है, मेल ड्रेस आता तो सही हो जाता, लेकिन अभी ये क्या है, गलत। मेल सूज देखो वही बात, यहाँ पे ड्रेस की जगह सूज लिख लो, यहाँ पे आ गया मेल लिखा हुआ है मतलब सही है। फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक प्रोफेशन है, टाइटल है, जॉब, स्टूडेंट क्या बनेंगे आगे जाके जॉब करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि इसके साथ फीमेल आ गया, अगर वुमन आता तो ये सही हो जाता, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया इसी के साथ खत्म।
तो दोस्तों अगर ये आपको छोटा सा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो, आपने पूरा देखा हो तो, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अच्छी लगनी थी क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझाया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपकी प्रॉब्लम बताओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर वहां पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये ऑनलाइन स्टडी बूस्टर नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, अपनी प्रॉब्लम डालो, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से, राजस्थान कल्चर, बायोलॉजी, जनरल साइंस, इससे रिलेटेड कोई भी हो प्रॉब्लम तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिली हुई होगी, उसमें जाके ज्वाइन करो। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपना सपोर्ट रखो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे, जय हिंद जय भारत।